जब को लेके चलते हैं जेल में और देखते हैं जेल के क्या हालात। कोई कस्टमर नहीं है। क्या दुनिया से जुराइम खत्म हो गए? हाँ वैसे वाकई देखिए ये बिल्कुल खाली है, ब्राजील की जेल है ना। सिद्धे आना मेरे पीछे सिद्धे, कोई बंदा हल्ले ना। ए भी कहो बोलो मेरी ओ बकरी ओ बैं आराम ना। ए सानू जी इन्होंने सवेरे कढ़िया बाहर फराउन तराउन लई। अच्छा अब मज्जा निकली है ना, नाल ही भी निकल। ओ वाक कर दे आया वाक। चलो यार तू बड़ा वाक हयात है, मैं तेनू चुप करो। मैं गिनती बोल जाना। चलो हेक हेक जाना अंदर बढ़ो। चल हेक। ओए होए एदी वजह तो हवा रुकी सी, फिर ठंडी। चल चल अंदर बाड़। अपन जहीं से शुरू होता है वहीं से लाइन जहीं से शुरू वहीं से लाइन शुरू हो जाती। मैं भी तेरे ना इन डायलॉगों की वजह ना तेरा पजामा चोन लग गया। ओए अंदर बाड़, मैं उलथा मार सौ अंदर। अड़ा ओए अंदर जाना के दो नसा ते मारा मैं तेरी। जांदा पिया यार, माए तेनू आख्या ई दोए 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 अंदर बाड़। वैसी जट भी मैं सा है। अंदर जाने तो दफा मार सा मैं तेरे। ओ खलो यार, दफा मार ना सा। अच्छा चाय फिर अंदर ही भेज देना है। चल अंदर चल। अच्छा वो उसके साथ ऐसे किया कि जैसे दोनों का जोड़ा है। एक मिनट बाहर आ गया, बाहर आ गया। की आई है, की गाड़ी आई बाहर का। और गिनती भूल गया मैं। चलो जी फिर पीछा 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 जाओ यार सारे। बैक करो गाड़ी। दे रुक जा रुक जा रुक जा। मैं गिनता हूं तुमने कितने बंदे पूरे करने हैं। मैनू पाते 8 कर लो। चलो जी मैं गिनता हूं। आए जी चल। ए तू गन मैनू फड़ा ना। हां तू वेच ना। तू आ ना वेच पहले। तू चल चल उड़। चलो तू मेरे कोल उलथे। 1 चल। 2 ही दो ही दो ही। 3 हूं ना भुलिए इथे ही बोलदा तू। चल अंदर। ये मजदूर का हाथ है काथिया। चल अंदर नासा ते चल सी। किन्ने हो गए जी? ए हो गए साहब जी दसना। तुम्हें डाल के 8। नहीं ये पौने 8 होए जी, ओदी बाह ही है नहीं कोई। आप बताएं आपका ये बाजू का क्या मामला? सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जो हाथ ठीक है उससे कर लें। नहीं साहब। क्यों? अपन खब्बू है। शक्लों से ही ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। बहुत खतरनाक लग रहे हैं। ये जो बंदा हरून साहब इन्नी बारी जेल च आया है, इन्हू जेल आ रहे ने डुप्लीकेट चाबी बनवा दी। आप बताएं आपने क्या जुर्म किया? भाई मेरे इन्हें ना पहलवान बनाना चाहते सी जी मैंने। अच्छा जी ठीक है। भाई कहते भी तू ना बदाम खा। इसे गल की तेन मैं कमी नहीं आन दिता। तू ना रुस्तमे पंजाब बनना वा। उन्होंने कहा तू पुत घोल जी। ये प्यो ना ही घोल पिया। अच्छा जी फिर क्या हुआ? साढ़े उत्थे ना काला शीश नाग बड़ा मेन पहलवान हुंदा सी। और तुम्हारा जुर्म क्या है? बताना जी बताना। बताओ। बई ने ना कहा भी तू पाई है। अच्छा तेरी गल लगे टुर सकती है, तू स्टार्ट ची ना अब्बा मार दे। भूल जाओ अब्बा जी को, अभी सिर्फ ये बताओ कि तुम किस चीज की कैद काट रहे हो। एक और फैसला बाद दा बड़ा नामवर पहलवान सी जी, काला चप्पल वाला। उन्हें नु वगातियां चप्पलां वाले। अब्बा जी कहते तेरा पुत दुध लवा दिने बाहर नहीं किनू जिन। जनाब इन्हें तो जेल आना से मदई सी। फिर जो तो जज साहब से पेश होया बार बार ये गल करता सी, मेरे अब्बे ने मैनू बदाम खाने उन्हें पाइया दुध लवाता। उन्होंने मुजरम ने अदालत का टाइम जाया किया है। तेन 14 साल बाद मुशक्कत हुई है। जड़ियां पिछे बैक हुंदी ना पहलवाना दी, ये मजबूत होनी चाहिए। उन्हें क्या बांदर किला खेलिया कर। यार मुझे नहीं सुनना, तुम्हारे अब्बा में कोई इंटरेस्ट है ना बांदर किले में कोई इंटरेस्ट है किसी बात। अच्छा तुम सही अंदर हो यार। सर जी बांदर किले च ना सुके खुस्से वाई दे ना मोरां ते। आप बताए मुझे, जब इसके बापू ने इसको कहा कि बादाम खाया। यार तुम भी वहां से शुरू हो गए। उस दुर्घटना में मैं चश्मदीद गवाह था। उस रात दिवाली की रात थी। अच्छा अच्छा। गांव की एक कन्या जी जी, वो दूर मंदिर के पास से कुएं के पास पानी भरने गई। मंदिर के पास कुएं के पास पानी भरने गई। अच्छा फिर? कुएं से पानी निकाल रही थी, इसके बापू ने कहा कि बादाम खा लो। यार उसके बापू को छोड़ दो, अब बादाम और उसका बापू बीच में नहीं आना। अपनी कहानी सुनाओ क्या हुआ। जब वो पानी भर के गांव की ओर गई है, चार बाश गुंडों ने उस कन्या का पीछा करना शुरू कर दिया। जो पानी भर के लेके जा रही थी। पानी भर आना जी, और उसको थोड़ा जा कुड़ी को पानी लाके ना, ते अब्बे ने उसे फिर बादाम पे। मेरी बात सुनो,
वो कन्या जा रही थी, अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया हूं, खुदा ना खास्ता क्या कन्या जो आ गई है फिर इंटरेस्टेड ओ भाई ये दाड़ियां हो यार गदर नहीं, अगले हफ्ते तुसी भी इत्थे ही होना साडे अच्छा नहीं नहीं मैं पूछने जा रहा हूं फिर क्या बना उस कन्या की। साहब उसने आवाज दी, जीवा। अच्छा हम गांव के पहलू में खड़े थे, जब हमें आवाज सुनाई दी तो हम बाहर की ओर भागे। गांव के बाहर क्यों भागे? कन्या की आवाज। वो तो अब्बा बादाम लेके पीछे चढ़ पे। अच्छा यार छोड़ो, आप बताएं आप क्यों आए जेल में? ओ, मेरा सीधा सीधा ही वाकया जी, मैं पाकिस्तान तो आई। अच्छा। ओ, मेरी माँ नूं बड़ा शौक सी कि मैं बाहर दे मुल्क सैटल हो जावा। तीन चार बारी मैं वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया सर। ठीक। बस फिर पंजवीं बारी ना जी मेरे अब्बे ने फिर अप्लाई किया। यार तुम्हारा अब्बा कहाँ से आ गया? मेरे दोस्त सीगे पांच सात। अच्छा। कहिंदे जिंदगी मौत रब दे हाथ च है, चलिए डोंकी लवा के ना। डोंकी नहीं डंकी। अच्छा, डंकी ओही। एक मुल्क हैगा ना जी माल्टा, यूरोप दा। जी 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 जी। इत्थों फिर माल्टे बहुत उत्थों जांदे ने। जी जी जी। ओ कंटेनर च मैं वड़ गया। अच्छा। ए कपड़िया नूं उदों दा रंग चढ़िया। अच्छा। मैं पिछे बैठा, काफी सफर सीगा, भुख लग गई, मैं काफी माल्टे पिछे खा गया छिल के। वो भाई ने जो वेख्या उन्होंने कहा मेरे माल्टे घट आ, उन्हें मैंने फड़वाता। फिर आप बताएं जी आप किस लिए आए अंदर? पिंड दा चौधरी सा साहब बहादुर। ठीक। पैसों की लोड़ पई। ठीक। पग बेचती। पैसों की लोड़ पै जी हर बंदे ने जवाना जी। बस मेरे को गलती हुई, मैं एक बंदे की जेब कट बैठा। दर्जी भी सी ना पिंड का। यार पास आ जाए ना करें। अच्छा जी, आपने एक आदमी की जेब काट ली चोरी। बंदे दी जेब कट बैठा, ओदा पर्स कढ़िया। अच्छा। उस पर्स दे विच उस बंदे दी औरत दी तस्वीर सी। अच्छा। जो पानी भरने गई थी साहब। ये सारे पागल हैं। ये अच्छा एक फिल्म है स्नैच, उस फिल्म के अंदर ना कई मुख्तलिफ स्टोरीज चलती हैं और वाइंड अप के करीब आके जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि स्टोरी, हाँ सब मिल जाती है आपस में आके। तो मुझे लग रहा है ये भी कोई स्नैच टाइप सीन है। अच्छा जी, आपने जेब काटी, उसमें से पर्स निकला, उसमें उसकी जौजा की तस्वीर थी, फिर वो तस्वीर मेरी जेब चो बरामद हुई। ओहो। उस जुर्म दे विच मैनू थाने ले गए। इसमें क्या जुर्म की क्या बात? तस्वीर दा इल्जाम लग गया मेरे ते। अच्छा। वो जिस बंदे दा पर्स सी वो अपने पुत्र नू पहलवान बनाना चाहता। वो उस दी वालदा दी तस्वीर सी। अच्छा। वो तस्वीर उस कमली कोलों डिग पई। कैसे? जदों उन्हूं ये इतलाह मिली कि तेरे एक पुत्र दी बांह वड्डी गई। वो भाग गए। बाद च पता लगा कि उहदा एक पुत्र डंकी लुआ के ते बाहर। आप बताएं जी क्या जाए? मैं आप शी, दूजा चौधरी दा पुत्र, हाँ मेरी राती कौन जम्या? कोई नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, करके एक पिंड च वड़िया मैं। उस पिंड च एक बंदे ना मेरी दुश्मनी पै गई। दुश्मनी क्यों पड़ी? कौन था वो? ओ एक जेब तराश सीगा वे। अच्छा। ते चार ओदे पुत्र सन, मैं तो उत्थे मुसाफिर सा, पर मेरे लागे बंदा सी ओदी जेब दे विचों तस्वीर निकल आई, फिर ओ छुबत विच मैनू ही फड़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ शुभ शुभ दा टाइम सी। शुभ शुभ दा वी करो निकलिया। शुभ 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 उधरों गड्डी आ रही सी पुलिस दी। अच्छा। उन्होंने शुभ शुभ इहनू फड़। अच्छा जी, आप बताएं जी आपका क्या मसला है जी, आप क्यों आए हैं जेल? कोई नहीं जी, बाहर ठंड सी, मैं अंदर आ गया। चल यार हरून साहब जी, जी हर बंदे का अपना अपना को मसला जी। अच्छा। मेरी सी जी एक गर्लफ्रेंड। अच्छा तेरी? यार जरा एक सेकंड जी, इधर आए जरा, इधर आए। अच्छा जी, आपकी एक गर्लफ्रेंड थी? हाँ जी। अच्छा। आई हैव ए गर्लफ्रेंड। अच्छा है जी, बड़ी देर दा था मेरा तलक सी। ठीक। लेकिन वो नहीं सी मान रही। उहदे भरा मैनूं गल नहीं सी करन दिंदे। अच्छा, वो तो तुहाडी गर्लफ्रेंड सी जी? जी। इन्ने फासले तो उहने तुहानूं देखिया? ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਰਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਨ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰਦ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੰਗੀ ਲਾ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। अच्छा, उसका क्या हुआ जो केस में से निकलने की कोशिश कर रहा? वो जेड़ा सी ना निकलने की कोशिश कर रहा सी। जी जी। उदी पिंड वाले पहले किसी केस च फड़ के ते टेंड करती। सर हाफ टेंड हुई सी जी। वो हाफ क्यों हुई भाई? जेड़ा नाई ने दी टेंड की थी ना जी, उदी एक बां सी। अच्छा जी, तो जो पांचवा भाई था वो उदा हरून साहब, पता नहीं केड़ी गल तो किसी बंदे ने पहले फड़ के ते मुंह काला करता।
ये अल्लाह ने हुसन दिता ना तो जर के खा। अच्छा यार आप बताएं, आप बड़ी देर से खामोश हैं, आप किस जुर्म में आए हैं? एक ही पूछ बैठा है साहब बहादुर। मैंने कहा आप बताएं, आप बड़ी देर से खामोश हैं, आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी साहब जी, मेरे विवाह तो शुरू होती है ते तलाक ते खत्म हो जाता। हर चंगे बुरे प्यो की यही ख्वाहिश होती है, ओदे कारण नेक औलाद पैदा होवे। अच्छा जी, मेनू साहब जी अल्लाह ने 7 पुत्र दिते। कमेंट मेनू गिण लैन दे। पलवानी दे शौक च 10 साल मेरे तो बदाम ही खांदा। लो जी जेल ना हुई कुरानदाई हुई अब्बा इत्थों ही लब गया। दूसरा मेरा पुत्र फिल्मी डायलॉग बोल बोल के अपनी बांह कटा बैठा। तीसरा पुत्र मेरा बिल्कुल किरली टैब निकलिया। उन मैं बड़ा कुछ खवाया पाया और कुछ नहीं बनया। अच्छा उसका क्या बना? डंकी ला के बाहर चला गया जी। अच्छा अच्छा, उस बाद एक पुत्र मैनू 6 साल दे वक्फे बाद पैदा होया। मैनू ओदे ते बड़िया उम्मीदां सी साहब जी। जी जी, पर वो भी जेब कतरा निकलिया। ओह, जेबां कट कट के, पर्स कट गए, औरतां दीआं फोटोआं कदी कदी किसी ने अद्धी टिंड कर देनी कदी पूरी। अच्छा जी, अगले बच्चे का बताएं। ना ही पूछो तो ठीक है साहब जी। नहीं नहीं बताएं हमें। वो बच्चा पैदा होया ते असी दोवें मियां बीवी एक दूजे तो मुंह छरमांदे फिरी। फिर असी काली रात नूं सोच के फैसला कीता। असी वो बच्चा बोरी च पा के जी जी 7 पिंड दूर सुट गए। यार बाज आए साढ़े घर पहुंचने तो पहले ही पहुंच। अच्छा जी, अगले बच्चे का बताएं। बस सर जी, जो अगला बच्चा पैदा होया ना दीदी, फिर इन्होंने सोचा भी जोड़े ही हो जाते, इन्होंने कट्ठे सुट देने। अच्छा, 7वें बच्चे का बताएं। सदके जावां, उस बच्चे ने तो मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिते। बस 7वें बच्चे का तो सानू दस्या ही नहीं। ओए ओ तुहाडा भरा पढ़ लिख के अजकल एक जेल च मुलाजम है। बस बाकी तो हर शाय उस बच्चे की ठीक है, गिनती भुल जाता। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਗਾ, ਜਦੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਗਿਣਨੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖਲੋਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੀਕੁਮ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸੀ, ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਜੇਲ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਣਾ ਝੰਗ ਵਾਲਾ। बस ठीक है, जिद्दां दा मैं जेल काट रहे हैं। तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है इन मुस्टंडों के सामने मत आया करो। मुझे तुम्हारी याद सताती है। मैं आ जाना, मैं कड़ा से उम्र कैद हो जाए ओनू की यार। मैंने जो सामान कहा था लाई हो? इस बैग में सारा सामान है। ਏਡਾ ਬਦ ਨਸੀਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ 100 ਦੀ ਭਾਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਨਿਕਾਲੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਜ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਮੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ। रोटी खा ली आई भाई? बड़ा स्वाद आया। रोटी च कोई मिलावट मिलावट नहीं है, मैं सारी चेक कर। ओए तू किधर बंदियां दे बेच? इधर बाहर आ, चल 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 बाहर, चल बाहर, बाहर चल, चल बाहर, चल बाहर, तू भी चल, चल बाहर। ओ पकड़ लिया उसको, अंदर 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 अंदर। कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? मैं तो 10-15 मिनट चाहिए, मैं जरा ना टाइम ले, मैं ब्लीच कराना बस। हमारे रास्ते से हट जाओ जेलर। देखिए प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है। ये भी बिल्कुल तुम्हारी मां तरह तरले। ठहर जा।
अगर आप लोग चले गए ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरी माँ और मेरे छोटे बहन भाई वो कहाँ जाएंगे? असि तुहाडी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहते। देख ली मेरे भाई है ना। लो जी मैं हिसाब लाया, ये जेल तालिया ना नहीं चल रही। क्यों? ये तरलिया नहीं चल रही। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।